Shall we all stand today? Beautiful day. We're so glad to have all our friends from the BMC here with us. Let's celebrate and rejoice together. Amen. जिसने हमारे लिए अपना जान दिया और फिर से तीसरे दिन जी उठा, क्यों ना हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उसे धन्यवाद दें कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया ताकि आप और हम फिर से जिए और अनंत काल का जीवन पाए। आमीन। Thank you.
पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह कहता है आओ मेरे पास, अपने जो भी चिंता जो भी बोझ है वो उसके पास उसके चरणों में लाओ। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु को इस सुबह हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो यहाँ पे उपस्थित है। हम सभी को अपने आप के हाथ में सौंपते हैं, आते हैं आपके चरणों में आपको धन्यवाद देने और ये कहने हमारे पूरे दिल से कि आप ही यीशु, आप ही केवल प्रभु हैं जिसने हमें अनंत काल का जीवन दिया। थैंक यू जीसस। आओ उसकी आराधना करें, उसके नाम को उठाएं, उसको धन्यवाद दें क्योंकि वही केवल प्रभु यीशु है।
morning, church. Are you glad to be here this morning? क्या आप खुश हैं सुबह पे यहाँ पर आकर? Okay, can we give God a hand? हम परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं. Enjoy the worship today. क्या आपने आराधना का आनंद उठाया? Beautiful worship. ये बहुत ही अद्भुत आराधना थी. Give God also a big hand. हम परमेश्वर के लिए तालियां बजा सकते हैं. आज हमारे बहुत ही खास सुबह है. हमारे बीच में बहुत ही खास मेहमान आए हैं. जब हर सुबह जब हम उठते हैं, हमारे शहर बहुत ही स्वस्थ एकदम अच्छा रहता है, साफ सुथरा. हम नहीं जानते किसने साफ किया, लेकिन हम जानते हैं एक समूह के लोग हैं जो शहर का बहुत ही आभारी हैं आप सभी लोगों के लिए. I want the whole church to stand and give them a lot. हम सब खड़े होकर आवाज़ का स्वागत करना चाहेंगे. और जो सरकारी बना सकते हैं. For all our guests. हमारे सारे मेहमान जो यहाँ आए हमारे कलीसिया का नाम ग्रेट ग्रेस कलीसिया है. We meet every Sunday at 10:30. हर रविवार को हम यहाँ 10:30 बजे मिलते हैं. You are always welcome to attend. आप जब भी आना चाहो आप आ सकते हो. You can bring your families. आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं. Enjoy a beautiful worship. आप एक अद्भुत संगीत का आनंद उठा सकते हैं. Also we would have a message from Bible. और बाइबल से एक संदेश बांटा जाएगा. So I'll not take much time. We'll go into the today's program. ज्यादा समय ना लेते हुए आज के कार्यक्रम में जाते हैं. We welcome. We also have a chief guest today. आपको स्वागत करने से पहले हमारे पास एक chief guest भी है. Okay, who is going to bring us a message? Let's welcome Pastor Ganesh. Pastor Ganesh का स्वागत करते हैं. So now we'll take the offering now. हम भेंट में जाएंगे अभी. But this is only for the church. ये बस एक कलीसिया के लोगों के लिए. Okay, so let's welcome Pastor Ganesh. सभी का स्वागत है यहाँ पे BMC जो भी कामगार करने वाले लोग जो है. धन्यवाद आपकी मेहनत के लिए. ये भेंट का संदेश है. अगर आप ये सिर्फ कलीसिया मंडली के लिए है तो ये जो है हमारे चर्च मेंबर्स के लिए संदेश है. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. गॉड नेवर चेंजेस. मलाकाई का अध्याय 3:6 में लिखा है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. मलाकाई का अध्याय 3:10 में लिखा है कि परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है. परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है. जब हमारे जीवन में परिस्थिति जब आती है या लोगों के जीवन में परिस्थिति जब आती है तो लोग बदलते. परिस्थिति जो है लोगों को बदल देती है. कई बार कठिन परिस्थिति जो है लोगों को गुमराह कर देती है. कई बार परिस्थिति की वजह से जो आदमी ईमानदार था अभी वो ईमानदार नहीं. परिस्थिति की वजह से कई बार जो व्यक्ति जो है विश्वास योग्य था अभी अविश्वास योग्य नहीं. अभी अविश्वास योग्य है. जो व्यक्ति जो है आनंदित था अभी वो व्यक्ति जो है दुखी है. परिस्थिति जो है आदमी को बदल देती है और कई बार निराशा में दुख में दर्द में उसको डाल देती है क्योंकि परिस्थिति आदमी को बदल रही है. लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है. हर स्थिति में हर परिस्थिति में जो है हमसे प्यार करता है. रोमियो का अध्याय 5 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई थी. मनुष्य सब पापी थे फिर भी हमारे जो परमेश्वर ने जो है हमसे इतना प्यार कर दिया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया और जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा. अच्छी बात यह इस सुबह में अच्छी बात यह है, खुशखबर यह है कि परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को देखकर वो बदलता नहीं है. उसका प्यार कभी फेल नहीं होता, असफल नहीं होता. हर सुबह हमारे लिए उसका प्यार जो है मजबूत है, बुलंद है और वो कभी आपको देखकर और मुझे देखकर हमारे चेहरों को देखकर वो कभी बदलेगा नहीं. वो हमसे बहुत प्यार करता है. एक कहानी है बाइबल में जो दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 8:2 में लिखा है कि मकुदुनिया की जो चर्च थी उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी. वो गरीब थे. गरीबी के बावजूद भी, सताव के बावजूद भी उन्होंने जो है परमेश्वर को इतना दे दिया कि उनका दिल जो है धनवान था. गरीबी की परिस्थिति में भी उन्होंने देना भूले नहीं, अपना ईमानदारी भूले नहीं, उन्होंने विश्वास योग्य होना भूला नहीं, उन्होंने परमेश्वर का प्यार को भूले नहीं. क्योंकि परमेश्वर का प्यार कभी टलता नहीं है,
असफल नहीं होता और वो भूले नहीं है। उनको मालूम है कि परमेश्वर जो है उनके लिए खड़ा है, मजबूत है, बुलंद है, और इसलिए उन्होंने देना छोड़ा नहीं है। तो वो देते रहे गरीबी में भी और सताव में भी, परीक्षा में भी वो देते रहे। परिस्थिति उनको बदली नहीं, उस चर्च को परिस्थिति ने बदला नहीं, उल्टा परमेश्वर के प्यार ने उनको मजबूत किया, देने में कोई रोका नहीं। तो परमेश्वर का प्रेम हमें उद्धारता से जेनरसली देने के लिए रुकता नहीं है या रोकता नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक विषय है ये देने के मामले में। तो यहाँ पे कोई हम लोग जो यहाँ की चर्च जो है विश्वास योग्य से देते रहते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय में। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु, तू इस सभी में इस सुबह में हमारे साथ है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तू कभी बदलता नहीं है, तेरा प्रेम कभी असफल नहीं होता है, हर दिन हमारे लिए वो मौजूद है और ताज़ा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बस गए जिंदगी भर के लिए नाचा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे साफ मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसा बस गए जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे साफ मेरे चलते बन गए। और एक बार तालियों बजाओ के लिए। अभी
भाई हम लोग एक अच्छी सी वीडियो बनाया है बीएमसी के लिए. हम चाहते हैं आप 2 मिनट के लिए आप वीडियो की तरफ देखें. एक खास करके आपके लिए बनाया है. ओके सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके महत्व को कई बार हम नहीं समझते. लेकिन क्या हम उन नायकों को जानते हैं जो इन सब चीजों को हमारे लिए संभव बनाते हैं? यतो धर्मस्तो जयेत या बीएमसी का मकसद है प्रतिदिन इस शहर को और बेहतर बनाने के लिए. बीएमसी कार्यकर्ता इसे सिर्फ एक कर्तव्य के रूप में नहीं देखते, परंतु इस शहर में सेवा देते हैं जिसे हम अपना घर कहते हैं, और हम उनके अथक प्रयास को दिल से सलाम करते हैं. आज हम उन हजारों बीएमसी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं जो शहर की सेवा में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं. वे कठिन निर्णय लेते हैं और अंतराल में खड़े होते हैं, चाहे खराब मौसम हो या बाढ़ हो या त्योहार. बीएमसी हमेशा ऐसे कामों के लिए तैयार रहती है और हर एक कार्य को पूरा करती है. इस शहर को प्रतिदिन एक कदम और नजदीक उन्नति की ओर ले जाती है, और आप हैं हमारे शहर के नायक. They are truly our heroes, isn't it? Yes. Yes, give them a big hand. So let's welcome Pastor Ganesh as he brings us a message for them. Okay, so मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और कि मुझे आपके सामने यहाँ पर आने का मौका मिला, और मुझे तो यह बताया गया है कि मैं चीफ गेस्ट हूँ. मुझे लगा ही नहीं, अभी तक मुझे नहीं लगा कि मैं चीफ गेस्ट हूं, लेकिन आप ये जो हमारे बीएमसी के भाई लोग यहाँ पे आए, ये हमारे चीफ गेस्ट है. और हम आपका प्रभु यीशु के नाम से और इस ग्रेटर ग्रेस कलेसिया की ओर से स्वागत करते हैं, और मेरा विश्वास है कि आप यहां पर से जब जाओगे तो एक नया मनुष्य बन करके जाओगे. एक नई शांति, एक नया आनंद, एक नया प्रेम आपके जीवन में आएगा. थोड़े समय के लिए अगर मेरी बातों की ओर ध्यान दोगे, यह कार्यक्रम जो आयोजित किया है, इस कार्यक्रम के पीछे एक वह महान व्यक्ति है कि जिनके दिल में इस भारत देश के लोगों के प्रति बहुत प्यार है. पिछले बार एक कार्यक्रम आयोजित किया था तो यहां पर अपने जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, जो लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं, उनको भी यहां पर हमने बुलाया था. हम उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया. उसके पहले हमने जो आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड के लोग थे, उनको भी हमने यहां पर लाया था कि प्रभु उनकी उस आग से रक्षा करे और उनके परिवार को भी बचाए. और उससे पहले महाराष्ट्र पुलिस को भी हमने यहां पर लाया था, जो हमारे महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को संभालते. लेकिन इन सब के पीछे आज आपको भी बुलाया गया. इन सब के पीछे वो एक महान व्यक्ति है जिनके दिल में परमेश्वर ने आप लोगों के प्रति बहुत प्यार दिया है, और उस व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, वो अपने घर में है अपनी सेहत के कारण, लेकिन वो यहां पर आपको देख रहे हैं, और उनका नाम है पास्टर काल सिल्वा. तो हम आइए उनके लिए, वो हमारे यहाँ पे नहीं है लेकिन उनकी प्यारी पत्नी यहाँ पर है, तो आइए हम उनके लिए भी जोर से ताली बजाते हैं. तो आप तो हमारे मेहमान हैं, और मेहमान के बारे में एक बार मैं सुना कि एक पति पत्नी थे और उनके घर में एक मेहमान आ गया. अभी उनकी नई नई शादी हो गई थी,
आठ दस महीने की शादी हो गई थी और मेहमान आ गया, लेकिन मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दस दिन हो गए तो भी मेहमान गया ही नहीं, 15 दिन हो गए तो भी मेहमान गया ही नहीं, महीना हो गया तो भी मेहमान गया ही नहीं। बेचारे पति पत्नी बहुत कंटाल गए, लेकिन मेहमान को कैसे बोल सकते कि आप जाइए घर, क्योंकि मेहमान तो एक भगवान के तरह होते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, पति अपने पत्नी पर बहुत गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि बहुत ही गुस्सा हो गया। बिचारी पत्नी भी इतनी रोने लगी कि बहुत ही रोने लगी, इतनी रोने लगी बहुत रोने लगी। और ये देखकर मेहमान का दिल पिघल गया और तुरंत ही घर छोड़कर चला। इसके बाद में पति अपने पत्नी के पास गया, बोले हे क्यों रोती हो, मैं तो ऐसा ही झूठ मूठ का गुस्सा हो गया, क्यों रोती इतने से बात के लिए। पत्नी भी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी, बोली मैं भी कोई असली रो रही थी, मैं भी झूठ मूठ की रो रही थी। 2 मिनट में मेहमान आ गया, बोला मैं भी कोई असली गया था, मैं भी झूठ का ही गया। तो भाई और बहनों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, अब कान लगाकर थोड़ा सुनो, क्योंकि यह जो सवाल है कि प्रभु यीशु कौन है, इसके विषय में आपने बहुत बार प्रभु यीशु के विषय में सुना, कोई रेडियो पर सुना, कोई टेलीविजन पर, और लगभग 2020 साल से प्रभु यीशु के विषय में लोग सुनते आ रहे हैं। और यह सवाल बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर आपका स्वर्ग जाना या फिर नरक जाना निर्भर करता है। क्योंकि जब आप धरती छोड़कर जाएंगे एक दिन, वह दिन दूर नहीं, चाहे आज रात को, चाहे 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, चाहे आज रात को जब आप धरती छोड़कर जाएंगे, तो एक ही सवाल पर निर्भर है कि आप स्वर्ग जाएंगे जहां पर परमेश्वर है, स्वर्ग दूत है, पारदर्शक सोने के रास्ते हैं, जहां पर रोना नहीं, दुख नहीं, बीमारी नहीं, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में हजारों स्वर्ग दूत आराधना करते, या फिर उस भयानक अंगार में, नरक में, जहां पर एक बार आदमी गया फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसी सवाल पर निर्भर है कि यीशु कौन है। तुम यीशु के विषय में क्या सोचते हो? अगर मैं आपको यह सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के विषय में क्या सोचते हो, तो आपके शायद अलग अलग सोच विचार होंगे। अगर मैं आपको पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विषय में आप क्या सोचते हो, तो अलग अलग लोगों के अलग सोच विचार होंगे। परंतु मैं आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज से 2020 साल से यही सवाल सारे दुनिया के लोगों के सामने है कि प्रभु यीशु कौन है। क्योंकि इस पवित्र बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु ने भी यही सवाल पूछा था कि लोग मुझे क्या कहते कि मैं कौन हूं। और भाई और बहनों, थोड़े समय के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप यहां पर से जब चले जाएंगे तो आपको इस बात की जरूर खात्री होगी कि यीशु कौन है। आपको इस नतीजे पर पहुंचना ही होगा कि अगर आप यीशु के पर विश्वास करते हो, या आप यीशु के साथ हो, या फिर आप यीशु के विरुद्ध हो। हमारे भारत देश में भारत सरकार ने एक नया कानून निकाला है, और आप सभी ने टेलीविजन पे देखा, मैं भी देखता हूं, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं, और वो CAA कानून है, जहां पर बहुत लोग उसके विरोध में है और बहुत लोग उसके समर्थन में है। और यही आपको करना है, एक तो आप प्रभु यीशु के विरोध में है या फिर प्रभु यीशु के समर्थन में है, एक तो आप प्रभु यीशु के साथ है या उसके विरुद्ध है। क्योंकि प्रभु यीशु ने भी इस पवित्र बाइबल में कहा है कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरुद्ध है। और अगर आज स्वयं परमेश्वर भी देखेगा स्वर्ग से कि आप यीशु के साथ है या यीशु के विरुद्ध है। इस दुनिया में इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं कि आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, ये लोग आए हैं
थोड़े साल के लिए कुछ समझ के बाद ये चले जाएंगे, परंतु इस दुनिया का हर इंसान, इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान का रिश्ता संबंध प्रभु यीशु से है। और इसलिए दुनिया के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रभु यीशु कौन है। और मैं यहां पर प्रभु यीशु के विषय में आपको कुछ गवाह प्रस्तुत करने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों का मानना है कि प्रभु यीशु गुरु है। और भाई और बहनों, प्रभु यीशु एक गुरु है और वह अच्छी शिक्षा देने वाला है। मैं भी उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि इस वचन में लिखा है किसी मनुष्य ने प्रभु यीशु के जैसी बातें आज तक नहीं की। मैं दुनिया के हजार गुरुओं के चरणों पर बैठकर उसकी शिक्षा सुनने से प्रभु यीशु के चरणों पर बैठकर उसकी शिक्षा सुनना पसंद करूंगा। बहुत लोगों का कहना है कि प्रभु यीशु एक डॉक्टर है या वैद्य है, परंतु मैं आपको बताने के लिए यहां पर खड़ा हूं कि प्रभु यीशु डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर है, वैद्य से बढ़कर वैद्य है। क्योंकि जितने भी रोगी प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु शब्द बोला और रोगियों को चंगा किया। और ऐसा कोई पीड़ित, ऐसा कोई बीमार नहीं जिसके जो प्रभु यीशु के पास आया और उसने चंगाई नहीं पाया। वह सिर्फ शब्द बोलता था और लोगों को चंगा कर देता था। दुनिया में बहुत सारे अस्पताल है, लेकिन किसी भी अस्पताल में हर रोग का इलाज नहीं होता है। अभी आप सभी को पता है ये कोरोना वायरस नाम का एक भयानक रोग जो चाइना में शुरुआत हो गई और वुहान नाम का शहर तो पूरी तरह से उसके चपेट में आ गया। और चाइना में 3,000 से ज्यादा लोग मर गए और 60,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। और यही रोग जब ईरान में पहुंच गया तो सिर्फ 12 एक हफ्ते में 12 लोगों को था, और 2 हफ्ते के बाद 1,000 लोगों में वो फैल गया। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पास वह सामर्थ्य है, वह अधिकार है रोगियों को चंगा करने का, भूत प्रेत दुष्ट आत्मा को निकालने का, तूफान को शांत करने का और कितने सारे रोगियों को चंगा करने का। विधवाओं के लिए प्रभु यीशु पति है। दुनिया का पति छोड़ सकता है, प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ लोग हैं, उनके लिए प्रभु यीशु पिता है। और जो कामगार लोग हैं, वो उनके लिए अपना बोझ अपने ऊपर लेने वाला विश्राम का स्थान है। जिनको दोष नहीं, उनका दोष प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु कभी बदलता नहीं, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। दुनिया के अंतिम क्षण तक वो आपके साथ रहेगा, उसकी सहानुभूति हमेशा आपके साथ रहेगी, उसका प्रेम हमेशा आपके ऊपर होगा, वो आपको संतोष आनंद देते रहेगा। इस पवित्र बाइबल में 66 किताबें हैं और नए नियम, पुराने नियम में 39 और नए नियम में 27। और इन 27 किताबों में से 23 किताबें ऐसी है कि जो पहला ही वचन, पहला ही अध्याय प्रभु यीशु के विषय में लिखा है। फर्स्ट वर्स एंड फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओनली 4 किताबें हैं, और वो किताबें यह है कि लुका की पुस्तक, इब्रानी की पुस्तक, दूसरे यूहन्ना, तीसरे यूहन्ना। सिर्फ 4 किताबें नए नियम में जो प्रभु यीशु के पहला वचन, पहला अध्याय में नहीं लिखा प्रभु यीशु के नाम के विषय में। लेकिन 23 किताबें, 23 बुक्स ऑफ द बाइबल, पहला वचन और पहला ही अध्याय में प्रभु यीशु के विषय में यहां पर लिखा है। सवाल यह है कि क्यों परमेश्वर ने इस 27 में से 23 किताबों में प्रभु यीशु का नाम लिखा है? क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, अगर आज आप प्रभु यीशु के ऊपर अपना ध्यान लगाओगे और प्रभु यीशु के पास आओगे तो आपकी घर की समस्या हल हो जाएगी, आपकी परिवार की समस्या हल हो जाएगी, आपकी बीमारी की समस्या हल हो जाएगी। क्योंकि जितने भी प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु ने उनको आशीष दिया। और वही प्रभु यीशु आज हमारे बीच उपस्थित है भाई और बहन। और आइए मैं उन लोगों से आपको मिलाता हूं जो यीशु के साथ रहे। और अगर आप किसी मनुष्य के विषय में जानना चाहते हो कि वो कैसा है, एक तो आप उसके परिचित परिवार के लोगों को पूछेंगे तो वो आपको अच्छी बातें बताएंगे उस मनुष्य के विषय में।
और अगर आप उस मनुष्य के दुश्मनों के पास जाएंगे तो वह आपको उसके विरुद्ध बातें बताएंगे। सही है कि नहीं? तो इसलिए आइए हम आपको प्रभु यीशु को जो पहचानते हैं, जो उसके दोस्त है, जो उसके सगी संबंधी रहे, उनके पास ले चलता हूं, और साथ साथ में प्रभु यीशु के जो दुश्मन है, जिसने उन्होंने क्रॉस पर लटकाए के मारा डाला, जिसने उन्होंने निंदा की, उनके पास भी मैं ले चलता हूं। सबसे पहले हम प्रभु यीशु के दुश्मनों के पास जाएंगे। और एक मैं यहां पर एक कल्पना के लिए यह रखा हूं कि यहां पर प्रभु यीशु है और आप जनता की अदालत है, और मैं कुछ गवाहों को सामने आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, और वह गवाह यह बताएंगे प्रभु यीशु के बारे में कि वह कौन है। और गारंटी के साथ कहता हूं, जब आप यहां से चले जाएंगे, आपको इस बात की सच्चाई समझ में आएगी कि प्रभु यीशु कौन है, और इस सवाल का जवाब मिलेगा। और आप यहां पर से जब जाएंगे तो पहले बताया, एक नया मनुष्य, एक नई शांति, एक नया प्रेम आपके जीवन में आ जाएगा। तो हम आपको यहां पर जिन जिन गवाहों को बुलाएंगे, वो सबसे पहले प्रभु यीशु के दुश्मन, क्योंकि मैं पहले बताया कि जब हम दुश्मनों के पास जाते हैं तो वो दुश्मन तो बुरी बातें बताएंगे। तो सबसे पहला दुश्मन जो प्रभु यीशु का था, वह थे धर्म पंडित। उन दिनों में धर्म पंडित लोग थे, और वह धर्म पंडित प्रभु यीशु के दुश्मन थे। वह हमेशा इसी सोच विचार में रहते थे कि उसमें कोई दोष पाए या उसको मार डाले, इसी सोच विचार में रहते थे। तो सबसे पहले मैं आपको धर्म पंडित शास्त्री फरोसी को आपको इस जगह पर बताना चाहता हूं। आइए धर्म पंडित, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए। और इन लोगों के सामने बताइए कि आप प्रभु यीशु के विषय में क्या कहते हो। धर्म पंडित का जवाब देखो, धर्म पंडित यहां पे आ गया, बोलो इस प्रभु यीशु के विषय में आप क्या कहते हो। धर्म पंडित कहता है, यह मनुष्य पापी लोगों से मिलता था और उनके साथ भोजन करता था। भाई और बहनों, इस दुनिया में कौन है जो निष्पाप है? कौन है जो कहता है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया? एक पवित्र बाइबल में लिखा है कि सबने पाप किया, कोई नीतिमान नहीं, कोई धर्मी नहीं, सबके सब परमेश्वर की महिमा से अलग हो चुके। और ये धर्म पंडित कह रहा है कि ये पापियों के साथ मिलते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। इनको धर्म पंडित ने तो बहुत, शास्त्री फरीसी ने बहुत ही सही बात ही बताया, क्योंकि प्रभु यीशु पापियों के लिए ही तो धरती पर आया। उसने स्वयं पवित्र बाइबल में कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए और उनका उद्धार करने के लिए धरती पर आया। और धर्म पंडित शास्त्री पुरुषी भाई, अब एक जवाब दे दो, जब यीशु को उस क्रॉस पर लटका गया था, उसके हाथ में खिले पेट में भाला, सिर पर कांटों का मुकुट, उसके मुंह पर लोगों ने थूका, और आप उस क्रॉस के नीचे खड़े थे, तो आप यीशु को क्या बोल रहे थे? सुनो धर्म पंडित क्या बोलते थे, इसने दूसरों को बचाया लेकिन अपने आप को नहीं बचा सकता। धर्म पंडित कहता है, शास्त्री फरीसी, इसने दूसरों को बचाया लेकिन वह अपने आप को नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही बोला, क्यों? क्योंकि वह दूसरों को बचाने के लिए ही आया था। अगर वह अपने आप को बचाता था तो वह दूसरों को बचा सकता था क्या? इसलिए तो वह क्रॉस पर से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि ये सब धर्म पंडित क्रॉस के नीचे खड़े थे, बोले हा हा हा, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, इसने दूसरों को बचाया, अभी क्रॉस पर से नीचे उतर आ जा, तब हम तुम पर विश्वास करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यीशु में वह सामर्थ्य है कि जो अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को पैर दे सकता है, मरे हो को जिंदा कर सकता है, तूफान को शांत कर सकता है। वो क्रॉस से नीचे उतर आ सकता था कि नहीं? लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वह आ सकता था तो अपने आप को ही बचा सकता था, लेकिन वह दुनिया में जो पापी लोग हैं उनका पाप लेकर उसका बलिदान करने के लिए आया था, और बिना लहू बलि बहाए पाप की क्षमा नहीं, और इसलिए वो यीशु
उस क्रॉस पर रहा। धर्म पंडित भाई, शास्त्री फरोसी, आपने बहुत ही अच्छा बताया, जाइए। बिल्कुल सच कहा उन्होंने। दूसरा जो मैं आपको गवाह आपके सामने पेश करता हूं, उन दिनों का महायाजक था जिसका नाम था कायफा, और कायफा सारे धर्म पंडितों का मुखिया था। और जब यीशु को पकड़कर कायफा के पास लाया तो सुनो कायफा क्या बोल रहा है। आइए कायफा भाई, कायफा भाई हाजिर हो, आइए आइए आइए, और इन लोगों के सामने बताइए कि आपने यीशु को मृत्यु दंड की सजा दी तो उसने आपने यीशु में कौन सा दोष पाया। कायफा का उत्तर सुनिए। कायफा महायाजक था और उसने कहा, यीशु को जब मेरे पास लाया गया, कायफा कहता है, और सारे धर्म पंडित लोग वहां पे थे और मैं उनका मुखिया था, तो यीशु ने यह बात बताई, अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिने हाथ में बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। कैफा कहता है, जब मैं ये सुना तो मैंने अपना वस्त्र फाड़ दिया और कहा, यह मनुष्य वध होने के योग्य है क्योंकि इसने ईश्वर की निंदा की। भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु धरती पर आया उसका जन्म किसी स्त्री पुरुष के द्वारा नहीं हुआ जैसा तुम्हारा और मेरा हुआ। अगर उसका स्त्री पुरुष के द्वारा जन्म होता था वो तुम्हारे मेरे जैसा पापी बन जाता था। इसलिए उसकी मां मरियम कुआरी थी, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया, कहा मरियम तू एक बालक को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा यह कैसा मुमकिन है, मैं तो कुआरी हूं। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा, उसे परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। और भाई और बहनों, जब वो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, क्योंकि दुनिया में कोई बाप ही नहीं था तुम्हें और मैं, यहां पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके नाम के पीछे अपने पिता का नाम नहीं, लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र था क्योंकि वो उसका जन्म किसी स्त्री पुरुष के द्वारा हुआ ही नहीं। और जब कैफा ने यह बात सुनी कि तुम परम प्रधान परमेश्वर के बाजू में दाहिने हाथ में बैठे हुए और आकाश के बादलों पर आते हुए जब देखोगे, तब तो महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े। लेकिन महायाजक ने सही कहा कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि उसमें तो कोई दोष नहीं। इतने सारे दोषियों को लाया कि इस पर कोई दोष लगाए, लेकिन एक भी दोषी नहीं मिला, एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो यीशु के ऊपर दोष लगाए। महायाजक, तुमने बहुत गलती की है, आपने उसको दंड देने की, जाइए। और एक दुश्मन मैं आपके सामने पेश करता हूं, और वह है उन दिनों का राज्यपाल जिसका नाम है पिलातुस। तो पिलातुस को हम आपके सामने खड़ा कर देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बड़ा जज था। तो आइए पिलातुस, पिलातुस हाजिर हो, आइए पिलातुस भाई, और इन लोगों के सामने बताइए कि आप यीशु के विषय में क्या कहते हो। पिलातुस रोमी साम्राज्य का राज्यपाल था, शासक था। धर्म महासभा के लोगों ने यीशु को पिलातुस के पास ले गए कि उसकी चौकसी करे। तो अभी पिलातुस आपके सामने आया है। पिलातुस भाई, इन लोगों को बताइए कि आप यीशु के बारे में क्या सोचते हो। सुनिए पिलातुस का उत्तर। पिलातुस ने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। इसने मुझे कहा था कि ये यहूदियों का राजा है। जब मैं उसे पूछा कि क्या तू राजा है, तो उसने कहा, इसलिए तो मैं जन्म लिया। और एक बात याद रखो, जब यीशु का जन्म हुआ आसमान में तारा था और ज्योतिष लोग यीशु को देखने के लिए आए, और वो हेरोद राजा से कहा, यहूदियों का राजा कहा जन्मा है, जन्म लिया राजा बनकर। और पिलातुस से कहा मैं राजा हूं, तो पिलातुस जब यीशु को क्रॉस पर लटकाया गया वहां पर पिलातुस ने वोट लिखा कि यह यहूदियों का राजा नासोरी यीशु। परंतु पिलातुस ने कहा, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मृत्यु दंड के योग्य ठहराया जाए, इसने कोई अपराध नहीं किया कि मैंने इसे मृत्यु दंड के योग्य दोष नहीं पाया। यह राज्यपाल पिलातुस, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसने गवाही दिया कि यह निर्दोष है, इसने ऐसा कोई पाप नहीं किया, कोई दोष नहीं है, यह तो निर्दोष है।
और जब पिलातुस अपने राजगद्दी पे बैठा था और वहां पर बहुत धर्म पंडितों की भीड़ थी, अचानक एक मनुष्य दौड़ते 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 पिलातुस के पास आया और महाराज मेरे पास आपके पास देने के लिए कुछ है। और पिलातुस को उसने एक चिट्ठी दिया जो पिलातुस की पत्नी ने लिखी थी कि आप इस धर्मी मनुष्य के विषय में, आप इस धर्मी मनुष्य के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि आज रात को मैंने सपने में इसके कारण बहुत दुख उठा लिया। पिलातुस की पत्नी अविश्वासी थी लेकिन वो भी यीशु को धर्मी कहती है। पिलातुस कहता है यीशु निर्दोष निष्कलंक है, इसमें कोई दोष नहीं है। जाइए पिलातुस भाई, और एक गवाह मैं आपके सामने पेश करता हूं भाई और बहन, और वो है यीशु का शिष्य जो उसके साथ 3.5 साल रहा, बड़े बड़े चमत्कार देखा। उसने ये भी देखा कि 4 दिन मरा हुआ लाजर कब्र से बाहर आया, यीशु ने सिर्फ कहा लाजर बाहर आ जाओ और वो बाहर आया। उसने ये भी देखा कि जब नाव में बैठे थे शिष्य और बहुत ही बड़े लहरें उठ रही थी, समुन्द्र में तूफान उठा था, और जब शिष्य नाव में थे और यीशु नाव के कोने में सो रहे थे और ये शिष्य भी वहां पे था, और उसने इतना बड़े बड़े यीशु का वचन भी सुना, प्रवचन सुना, लेकिन केवल 30 चांदी के सिक्कों के लिए वह दुश्मनों से मिला और यीशु का विश्वासघात किया, और उसका नाम है यहूदा इस्कारियोत। तो यहूदा इस्कारियोत हाजिर हो और आइए और बताइए आप यीशु के विषय में क्या कहते हो। सुनिए यहूदा इस्कारियोत का जवाब। जब मैंने देखा, यहूदा इस्कारियोत कहता है कि जब मैंने देखा कि यीशु को दोषी ठहराया गया तब मैं बहुत पछताया, और 30 चांदी के सिक्कों को लेकर मैं महायाजकों और धर्म पंडितों के पास गया और उसको लौटा दिया, और मैंने कहा मैंने एक निर्दोष को वध होने के लिए पकड़वा देकर बहुत ही बड़ा पाप किया। भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में इन लोगों के जो दुश्मन थे यीशु के, उनके विषय में गवाही रिकॉर्ड की गई है, इसलिए कि आप लोग जाने कि यह निर्दोष और निष्कलंक निष्पाप है, दुश्मन भी उसके ऊपर दोष नहीं लगा सके। और एक मनुष्य था जिसके हाथ में 350 सेना रोमी सेना थी और 50 घुड़सवार थे। और एक मिनट का मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु के विषय में। प्रभु यीशु की ऊंचाई 5 फुट 11 इंच थी, मेरा इतना ही ऊंचा था। प्रभु यीशु के शरीर पर 5400 घाव थे पूरे शरीर से, पीठ पर चाबुक के द्वारा 39 फटके मारे गए और एक एक चाबुक को 12 खिले लगे थे, एक चाबुक मारते थे 12 घाव होते थे, ऐसे 39 फटके मारे और 468 गहरे जख्म उसके पीठ पर। जब उसके सिर पर काटों का मुकुट रखा तो 17 बड़े बड़े खिले बड़े बड़े काटे उसके सिर के अंदर घुसे, उसके शरीर से 6.5 लीटर खून बहाया गया। क्रॉस जब उसके ऊपर क्रॉस दिया, वो क्रॉस 150 किलो का क्रॉस था और वो 15 फीट लंबा और 8 फीट आड़ा था, और जो यीशु के हाथ में खिले मारे, वो यहां पे नहीं यहां पे, वो खिले मारे वो 8 इंच के खिले थे। जब यीशु को वो ले जा रहे थे कैलवरी के क्रॉस पर, यरूशलेम शहर से कैलवरी के उस पहाड़ पर, तो 3 बार यीशु गिर गए। 17 घंटे उसको इतनी अत्यधिक प्यास लगी थी कि 17 घंटे पानी के लिए तड़पते रहे। भाई और बहनों, ये रोमियो का सिपाही था, रोमी का सरदार, जो मेजर जनरल सेनापति, हम आपको उसके सामने बुलाते, रोमी सिपाही सरदार सेनापति हाजिर हो। अभी सुनो वह यीशु के विषय में क्या कहता है। रोमी सेना का मुखिया होने के नाते सारे रोम के सिपाही उसके अधीन होकर काम करते थे, और उसने यीशु को क्रॉस उठाने के लिए कहा,
और आदेश दिया कि यीशु के हाथों में और पैरों में खिला मारा जाए, पेट में भाला मारा जाए, तो रोमी सेना नायक सेनापति बताइए, अभी आप बताइए इन लोगों के सामने, क्योंकि इनको फैसला करना है कि यीशु कौन है। रोमी सिपाहियों का उत्तर सुनिए क्या है। परमेश्वर की स्तुति करके उसने कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी मनुष्य था, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। जिसने हाथ में खिले मारे वो सिपाही लोग एक कह रहे कि ये निर्दोष मनुष्य था। और समय की कमी से और एक गवाह आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब यीशु को उस क्रॉस पर लटकाया गया, एक बाजू में एक चोर, दूसरे बाजू में दूसरे चोर, दोनों उसको निंदा कर रहे शुरू शुरू में, लेकिन जब यीशु इतनी तड़फ के साथ वहां पे था और प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। दो चोर लुटारू डाकू हत्यारे उस क्रॉस पर लटके थे, एक एक बाजू में, दूसरा दूसरे बाजू में, बीच में यीशु। और जब एक चोर ने देखा कि इतना दुख तकलीफ होने के बावजूद भी ये परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा है कि इनको माफ कर, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये साधारण नहीं, आपने तो कभी पिता को बुलाया ही नहीं, इसके पास तो ये सामर्थ्य है, अगर ये कहेगा हे पिता इन सभी का नाश कर तो ये भी कर सकता था, लेकिन उसने कहा हे पिता इनको क्षमा कर। अरे उसकी एक यीशु की एक प्रार्थना से उसका दिल बदल गया और वो दूसरे चोर को डांटा और कहा, अरे तू इंसान को नहीं डरता, कम से कम परमेश्वर को तो डर, हमने गुनाह किया, हमने हत्या किया और जो सजा हमें मिल रही उसके जायज है क्योंकि हमने उसकी सजा के दंड के हम लायक है, लेकिन ये तो निष्पाप है, ये तो निर्दोष है। और उसने कहा यीशु से, यीशु जब आप स्वर्ग में जाएंगे, जब आपका राज्य आएगा तो मुझे याद करना, आपका राज्य आएगा तो हे प्रभु, इंग्लिश बाइबल में लिखा है ओ लॉर्ड, हिंदी में लिखा है यीशु, लेकिन उसने कहा हे प्रभु। जिस वक्त उसने हे प्रभु कहा उसी वक्त उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु यीशु ने तुरंत ही उसके ऊपर मोड़कर कहा तू आज इसी समय मेरे साथ स्वर्ग में होगा। बहुत लोग कहते हैं कि अच्छे कर्म करके ही हम स्वर्ग में जाएंगे, बहुत लोग कहते हैं कि दान धर्म पुण्य कर्म करने से, पूजा पाठ ये सब करने से स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष मिलेगा। झूठ, वो आदमी के तो हाथ बंधे थे, उसने तो जिंदगी भर बुरे ही काम किए और उसने तो सिर्फ मरते वक्त यीशु पर विश्वास किया। और भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी एक बार अपने जीवन में प्रभु यीशु पर सच्चे दिल से विश्वास करके कहेंगे हे प्रभु मुझे याद कर, छोटी सी प्रार्थना तुरंत ही उसका उत्तर मिला कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। धरती पर सुबह वो एक क्रिमिनल, एक हत्यारा, एक आतंकवादी, एक भयानक गुनेगार था, लेकिन शाम के वक्त वह उस स्वर्ग में गया एक नीतिमान धर्मी निष्कलंक निर्दोष होकर। क्यों? क्योंकि उसके पापों के लिए प्रभु यीशु ने अपने प्राण की बलि दिया। वहां पर तीन क्रॉस थे, गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार का दिन, गुड फ्राइडे आने वाला है अगले महीने 10 तारीख को, तीन क्रॉस थे, एक बाजू में एक चोर था, दूसरे बाजू में दूसरा चोर, बीच में यीशु। एक अपने पाप क्षमा हुए मर रहा था क्योंकि उसने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, दूसरा जो था वो अपने पाप में मर रहा था और सीधा नरक में चला गया, और तीसरा जो था जो दुनिया के पाप के लिए मारा गया था। भाई और बहनों अंत में एक और एक आपके सामने एक गवाह पेश करने वाला हूं और वो है पत्रस। 3.5 साल प्रभु यीशु के साथ रहा और उसने कहा प्रभु सब लोग तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तेरे लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। और जब दुश्मन यीशु को पकड़ने के लिए आए तो ये पत्रस दुम बांधकर दुम दबाकर भाग गया। और जब वो यहां पर एक जगह पर बैठा था, वहां पर ठंडी के दिन थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने उसको पहचाना, अरे हा तू भी तो उसके साथ था, आई शपथ सांग तू मीते चाला ओळखतस नाही
मैं उसको पहचानता ही नहीं, तीन बार कहा, लेकिन जब तीसरे बार मुर्गे ने बांग दी, यीशु ने पतरस की ओर देखा, उसने पश्चाताप किया, वो रोया, बहुत रोया, पश्चाताप किया और प्रभु यीशु ने उसको माफ किया। और यही पतरस जब पेंटेकॉस का दिन आया, 3,000 लोगों को उसने कहा कि यहां पर, और जिस यीशु को तुमने क्रॉस पर चढ़ाया, प्रभु भी उसको परमेश्वर ने प्रभु ठहराया और मसीहा भी ठहराया, और वही परमेश्वर है। और कलेसिया यह बताती है कि वह कभी स्कूल नहीं गया, क्योंकि वह तो मछली पकड़ने वाला था, सबसे नीचा, कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन इस पवित्र बाइबल में उसने दो दो किताबें लिखी। और भाई और बहनों, जब दुश्मन भी उसको पकड़ने के लिए आए तो उसने कहा, भाइयों, मैं प्रभु यीशु के जैसा क्रॉस पर मरने के लायक नहीं, मुझे नीचे से ऊपर टांग के लटका दो। वह पतरस जिसका जीवन बदल दिया था, अंत में एक गवाही है जो यीशु मसीहा का बहुत ही विरोधी था, जो कलेसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को मारता था और उनके घरों को जलाता था, जेल में डालता था, और उसका नाम था शाऊल, बहुत ही विरोधी था, यीशु के लोगों से नफरत करता था। लेकिन एक दिन वो दमास्कस नाम के रोड पे जा रहा था और अचानक आसमान से बहुत बड़ी प्रकाश चमका और वो गिर गया घोड़े से, और उसको ये आवाज सुनी, और वह आवाज थी प्रभु यीशु की। और प्रभु यीशु ने उससे क्या बताया, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने कहा, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? अभी एक बात बताओ, शाऊल विश्वासी लोगों को सता रहा था कि प्रभु यीशु को सता रहा था? बोलो जोर से। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, तू मुझे सता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है शाऊल? क्या मैंने तुझे कुछ दुख पहुंचाया है? कभी मैंने तुझे तेरा बुरा किया है? तू मुझे क्यों सताता है? और शाऊल ने कहा, हे प्रभु, आप कौन है? और यीशु ने कहा, जिस यीशु को तू सता रहा, मैं ही वो यीशु हूं। और उसके एक मुलाकात से शाऊल का जीवन बदल गया, शाऊल का पाल बदल गया। अरे पवित्र बाइबल में उसने 13 किताबें लिख डाली और 50 कलेसिया का निर्माण किया अपने जीते जी। और उसने क्या कहा पता है? उसने कहा, जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया, और मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, अब मैं उन्हें कचरा समझता हूं, ताकि मैं यीशु मसीहा को प्राप्त करूं। आखिरी गवाही यह है, एक मनुष्य था जो भारत देश में आया, यीशु का शिष्य, जिसका नाम था थोमा। और जब यीशु क्रॉस पर मर गया, मरने के बाद उसको कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब कब्र में से जीवित हुआ, शुक्रवार के दिन मारा गया, शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, रविवार की बहुत सुबह वो कब्र से जीवित हुआ। इसलिए आज हर जगह पर प्रभु यीशु के लोग उसकी आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं। और रविवार के दिन प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, वहां पर यह थोमा नहीं था। तो शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा। बोला, हाँ, जब तक मैं उसके हाथ में किले मारे उनकी उंगली नहीं डाल देगा, जो भारा मारा पेट में वहां पर हाथ लगाकर नहीं देखेगा, तब तक मैं विश्वास ही नहीं करेगा। सप्ताह के दिन रविवार को प्रभु यीशु वहां पर, सारे शिष्य थे, दरवाजे खिड़कियां बंद थे, प्रभु यीशु वहां पर आए, थोमा भी उसमें था। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें शांति मिले। थोमा से कहा, थोमा इधर आ जाओ, ये देख मेरे हाथ जहां पे किले मारे थे, ये देख मेरे घाव जहां पे भाला मारा था। तब थोमा ने कहा, मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर। यीशु ने कहा, अरे तू मुझे देखता है इसलिए मुझे विश्वास करता है, लेकिन धन्य है, क्या ही धन्य है वे लोग जो मुझे नहीं देखते फिर भी मुझ पर विश्वास करते हैं। भाई और बहनों, वही थोमा इस भारत देश में आया, और बहुत लोगों का मानना है तो वह एक वसई में और नाला सोपारा में, और इसके बाद में वह मद्रास में और केरला में गया। अंतिम गवाही पिता परमेश्वर की, पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर, जिसकी मैं सेवा करता हूं, वह महान परमेश्वर जो किसी एक जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं,
किसी एक मजहब का नहीं, किसी एक देश का नहीं, अरे उस परमेश्वर की क्या जाति, क्या धर्म जिसने सारे विश्व को बनाया, उसकी कोई जाति धर्म हो सकता है क्या? वह परमेश्वर की गवाही दे। एक बार यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर बहुत बड़े पहाड़ पर गए और वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनका रूप बदल गया, उनका जो वस्त्र है बहुत ही चमकीले प्रकाश के जैसा हुआ, उसका जो मुंह है वो सूरज के समान चमकने लगा और बहुत बड़े चमकीले बादल ने उनको घेरा और स्वर्ग से परमपिता परमेश्वर ने यह कहा, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। मैं नहीं कह रहा हूं, यह पवित्र बाइबल में लिखा है कि स्वयं परमेश्वर पिता ने कहा कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके मैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब परमेश्वर इससे प्रसन्न है तो आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? जब मनुष्य भी प्रसन्न है, परमेश्वर भी प्रसन्न है, तो भाई और बहनों मनुष्य का उद्धार निश्चित हो सकता है। और ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम, पिता कह रहा है स्वर्ग से, तुम इसकी सुनो। और आज आप यीशु की बात सुन रहे हैं और सुनेंगे, और वो बात ये है, यीशु कहता है, हे सब बीएमसी के लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, हे सब काम पे बोझ के, समस्या से बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति आनंद दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप अपने लहू से धोऊंगा, और आज के बाद तुम एक भी पाप नहीं। परमेश्वर जब तुम्हें देखेगा, वह देखेगा का आप निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक है। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू से आपके सारे पाप शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि ये पवित्र बाइबल बताती है कि यीशु के अंदर जो लहू था, वो खून था, वो किसी इंसानी खून नहीं था, क्योंकि उसकी मां मरियम थी, उसके अंदर परमेश्वर का खून था, और यीशु मसीह के लहू से आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। जब स्वर्ग से परमेश्वर देखेगा, वो ये देखेगा आपने एक भी गुनाह नहीं किया। जैसा वो पवित्र है, वैसा आप भी पवित्र है। जब धरती पर आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, चाहे 60 साल के बाद, 70 साल के बाद, चाहे रात को भी जब आप धरती छोड़ जाएंगे, तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको कौन रोक सकता है? प्रभु यीशु कहता है, हे परिश्रम करने वालों, हे कामगारों, हे बोझ से दबे हो, समस्या से, परिवार से, मुसीबत में और भयानक प्रकार के रोगों से पीड़ित, सबसे बड़ा रोग आत्मा को लगा हुआ भयानक पाप का रोग है। जब आत्मा चंगाई हो गई तो परमेश्वर शरीर की भी चंगाई देता है, और इसलिए प्रभु यीशु कहता है, उसके हाथ ऐसे, वो कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हो लोगों, हे समस्या से पीड़ित लोगों, हे बीमारी से पीड़ित लोगों, हे मुसीबत में पड़े हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में सुख शांति दूंगा। आज के बाद तुम कभी अकेले नहीं होंगे, जितने साल तुम धरती पर रहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। और जितने साल तुम धरती पर रहोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब भी तुम धरती छोड़ जाओगे मैं स्वर्ग में तुम्हारा स्वीकार करूंगा। भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज आपको अपने पास बुला रहा है, तो आइए हम सब खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी आंखों को बंद करते हैं। कोई यहां वहां नहीं देखेगा, हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और मेरा विश्वास है कि स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच उपस्थित है। आप ऐसे ही यहां पे नहीं आए, परमेश्वर ने आपको लाया है। और अगर आज यहां पर सामने आएंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको हाथ पिलाऊंगा, इसके बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए जितने भी हमारे बीएमसी के भाई हैं, कृपया इधर सामने आइए, ये आपके लिए परमेश्वर का बुलाव है। आइए, प्रभु यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे लोगों, आओ मेरे पास। यहाँ पर आइए 2 मिनट के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए और अपने एक लाइन में खड़े होकर अपनी आंखें बंद कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में आखिरी बार मौका है, हो सकता है इसके बाद में। आइए सब लोगों के लिए थोड़ा उनको लाइन में आने के लिए।
और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपके जैसा ही मनुष्य हूँ, लेकिन मेरा विश्वास उस महान जीवित परमेश्वर पर है जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपके जीवन में सुख शांति आनंद देना चाहता है, जो आपके सारे पाप क्षमा करना चाहता है, जो आपको जितने साल आप धरती पर रहोगे वो आपके साथ साथ रहेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, उसके स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए होंगे, जब भी आप धरती छोड़ जाओगे वो स्वर्ग में आपका स्वीकार करेगा। आज से 32 साल पहले मेरा नाम गणेश है, अमरावती का रहने वाला हूँ। 32 साल पहले मैं बंबई में आया, मैं भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, मैं भी एक दुश्मन था, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया मेरा जीवन बदल गया। उस चोर का जैसा, उसके पास तो कोई समय नहीं था अच्छे कर्म के लिए, कि तो मरते वक्त यीशु से कहा कि हे प्रभु जब आप स्वर्ग में होंगे तो मुझे याद करना, और यीशु ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं भी प्रभु से यही कहा कि हे प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कर। आप भी कह सकते हैं हे प्रभु, प्रभु यीशु मुझे याद कर। गारंटी के सहित तुरंत ही परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। सुबह में वो एक गुनहगार था, डाकू लुटारू था, शाम को वो महा परमेश्वर के स्वर्ग में चला गया। प्रभु यीशु ने और हजारों हजारों स्वर्गदूतों ने उसका स्वागत किया। परमेश्वर आपका भी स्वागत करेगा। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे, और अगर आप चाहते हो प्रभु यीशु आपके जीवन में सुख शांति दे, अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपके सारे पाप क्षमा करे, अगर आप चाहते हो कि एक दिन ये धरती छोड़ने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर आपका स्वीकार करे, तो इसी समय एक छोटी सी प्रार्थना उस महान जीवित परमेश्वर से आप करो, जिसने हमें कान दिया है उसे भी प्रार्थना सुनने के लिए कान है, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। आज के बाद परमेश्वर कहेगा तुमने एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु के लहू से आपके सारे पाप धोए जाएंगे, आप शुद्ध होकर एक नया मनुष्य बनकर आप यहां से चले जाओगे, और परमेश्वर स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में आएगा, जाके भी आप जाओगे परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। जब आप धरती छोड़ जाओगे तो प्रभु यीशु स्वर्ग में आपका स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा जो धरती पर मुझे स्वीकार करता है एक दिन स्वर्ग में भी मैं उसका स्वीकार करूंगा। इसलिए भाई और बहनों, अगर आप यहां पर उपस्थित हो तो एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु यीशु ने उस क्रॉस पर दिए हुए बलिदान पर विश्वास करके मेरे पीछे उस परमेश्वर को बोलो जो आपसे बहुत प्यार करता है। बोलो हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ने हमारे गुनाहों के बदले अपने प्राण की बलि दिया। आज हम जान गए हैं कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, हमारे दिल में आओ। हमारा विश्वास है तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए तीसरे दिन जिंदा हुआ। हे प्रभु यीशु, हमारे दिल में आओ। आज हम प्रभु यीशु को हमारा उद्धार करता, मुक्ति दाता हम स्वीकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग से कान लगाकर तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना। दयालु कृपालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये तुम्हारे पास आए हैं प्रभु, इनको गले लगाना, इनके सारे पापों को क्षमा करना, इनके जीवन में सुख शांति आनंद दे जो दुनिया की कोई बात नहीं दे सकती। प्रभु इनके परिवार में तुम्हारी उपस्थिति हमेशा बना रहे, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने तो इस भाइयों को हमारे बीच में लाया, इनको हम तुम्हारे हाथ में सौंप देते हैं। जब भी ये काम पे जाएंगे प्रभु, वहां पर तुम्हारी उपस्थिति हमेशा उनके साथ रहे। भूत प्रेत दुष्ट आत्मा जादू टोना टोटका दुष्ट लोगों से शैतान से इनको बचाए रखना, और तुम्हारा आशीष का हाथ हमेशा इनके परिवार में इनके बाल बच्चों पर बना रहे। प्रभु हर दुख तकलीफ से बीमारी से भयानक रोगों से इनको बचाए रखना प्रभु, और होने दे एक दिन यहां पर हम मिले हैं और एक दिन हमारी मुलाकात स्वर्ग में भी जरूर हो जाएगी। धन्यवाद पिता, तूने हमारी सभी की प्रार्थना को
कान लगाकर सुना है। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहेंगे एक बार, आइए प्रभु यीशु के लिए जोर से ताली बजाएं। प्रभु आपको आशीष दे। कि पास्टर गणेश हमको बहुत अच्छा संदेश दिया है, हम लोग उसमें बहुत प्रसन्न है। जोरदार ताली हो जाए। आज ये दोपहर को हम आप सबके लिए के भोजन के इंतजाम भी किया है, ओके। बट उसके पहले हमारा ग्रेटर ग्रेस चर्च आपको एक छोटे से तोहफा और एक सर्टिफिकेट से आपको सम्मान करना चाहते हैं। तो हम एक एक को बुलाएंगे, हम चाहते हैं कि आप ऊपर आए, सर्टिफिकेट और तोहफा लें और इस तरफ खड़े हो जाए, साथ में हम वापस एक फोटो लेंगे, ठीक है? हो सकता है, ओके। एक एक नाम बुलाएंगे और लीडर्स को भी आप आगे बुलाते हैं। ओके, पहली नाम, ओके। जब हम नाम बुलाते हैं, हम चर्च से उम्मीद करते हैं आप जोरदार उनको ताली दें, ओके। ओके, शुरुआत करेंगे पहले मिस्टर अरुमुगम। मिस्टर सुनील चौहान। संदीप कामले, राजन कामले, अशोक गावले, ओके, भरत वागले, मिस्टर प्रवीण वागले, मिस्टर मयूर देवेंद्र, मिस्टर गिरिधर, मिस्टर नरेश महाने, मिस्टर सुनील पवार, मिस्टर किरण सोलंकी, मिस्टर नीलेश हल्दे, राजकुमार सालवे, मिस्टर सकारा पानी एंथनी, अलाली पेरवाल, जोसेफ चिप्पान, आरोग्य समी, मिकेल एंथनी, गैब्रियल डेविड,
Kolandi Sam. Mr. Velankani Muthu. Okay, Mr. Arokya Chinnappan. Okay, Mr. Keshu Solanki. Mr. Ashok Solanki. Mr. Dharamraj Rampati Rajbar. Mr. Deepak Trimbak. Mr. Bhimrao Dhotre. Mr. Anthony Shetty. Anthony Shetty. Okay, Mr. Rajesh Zarkar. This is Anthony Shetty. Mr. Rajesh Zarkar. Mr. Thomas Shetty. Thomas Shetty. Mr. Kanaya Solanki. Mr. Ambalagam. Mr. Ramesh Abre. Yes, more louder. Dharmaraj Rajbar. Dharmaraj Rajbar. Rajesh Jankar, Rajan Solanki, the Kadiraman Mariswamy, the Amol Kamle, Deepak Shinde. Pramod Kasbe. Ye Prakash Bansode. Santosh Dhotre. Ye Dinkar Gate. Rajendra Pawar. Prakash Kamle. Okay, Chirag Parman. Chirag Parman. Okay, aur koi bacha hai? Rajesh Jankar. Okay. Satish Nandir ke team. Aap aa sakte hain, aap upar aa sakte hain, aapki certificate aap bhi aaiye, team aa sakte hain, aap aaiye. Aaiye aaiye, aap upar aaiye to. Okay, let's give them a big hand. Okay, let's give them a big hand. Yes, let's all stand and give them a big hand. Okay. Yes.
one more certificate to be made for this man. Okay, Jayanti, Jayanti, okay. Okay, so what we'll do is we'll take a picture, but okay, we'll also pray for them as once again, okay? Since all of them are on the stage, okay, I ask Pastor Ganesh to pray for them. आप सब लोग अपने हाथ इनके तरफ करो और हम सब अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी समस्याओं के लिए। दयालु कृपालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे चरणों पर आकर धन्यवाद देते हैं कि तू स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच उपस्थित है और इन भाइयों को तूने हमारे बीच में लाया है। प्रभु इनको बहुत आशीष दे। प्रभु आज ये जान गए हैं कि दुनिया में सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है। प्रभु इनके परिवार को, बाल बच्चों को अपनी आशीष दे। इनके घर में हमेशा सुख शांति आनंद प्रेम बना रहे। भूत प्रेत दुष्टात्मा शैतान से और बुरे लोगों से इनको बचाए रखना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये तुम्हारे वचन में, विश्वास में, अनुग्रह में, प्रेम में बढ़ने के लिए प्रभु तू इनकी सहायता कर, मदद कर। पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीहा के नाम से जीवन भर तू इनकी रक्षा कर और इनके जीवन में वह पवित्र आत्मा की भूख और प्यास दे जो प्रभु केवल तुम्हारे वचन से ही मिट जाती है। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा तू उनकी अगुवाई कर, सहायता कर और होने दे प्रभु कि जैसे आज हम यहां पर सब मिले हैं वैसे एक दिन भी हम सब स्वर्ग में मिलेंगे, क्योंकि तू स्वर्ग का राजा है, सृष्टि का निर्माण करता है और आज इन्होंने जान लिया है और इन्होंने तुम पर विश्वास किया है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज हजारों की संख्या में स्वर्गदूत भी हमारे साथ आनंद मना रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब एक मनुष्य, एक पापी मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करता है हजारों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए जो तूने बहुत साल पहले अपने कैलेंडर में लिखा था कि आज के दिन हम सब ये भाई बहन के साथ आनंद मनाएंगे और ये तुम्हारे उद्धार को ग्रहण करेंगे। और जितने हमारे कलीसिया के लोग हैं प्रभु उन सभी को भी अपनी आशीष दे पिता, इन सभी की रक्षा कर, सहायता कर प्रभु और इनके जीवन में हमेशा सुख शांति आनंद प्रेम बना रहे। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा हम प्रभु यीशु को देते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। इसलिए सुनो, ग्रहण कर। हम सब कहेंगे, अरे जोर से कहेंगे, आइए प्रभु यीशु के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। हमारे बीच में हमारा चीफ ऑफिसर भी है, बीएमसी से माधव गायकवाड़ है, वो हमारे साथ कुछ समय कुछ वचन बोलना चाहते हैं ताकि हम उनको वेलकम करें। मिस्टर माधव गायकवाड़, तो जोरदार ताली बजाएं। नमस्कार। सबसे पहले मैं ग्रेटर ग्रेस चर्च की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो आप लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाकर हमारा सम्मान आप लोगों ने बढ़ाया है। बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं ग्रेटर चर्च के लिए आपसे जोरदार तालियां चाहूँगा। सभी यहाँ पर जो हमारे मौजूद सम्माननीय लोग हैं जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, खाली दो तीन बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। घन कचरा व्यवस्थापन खाते बृहन मुंबई महानगर पालिका के पश्चिम मोर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, मौजूद है मेरे कलीग मिस्टर रमेश अमरे जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको यह बता देना चाहूँगा कि मुंबई शहर में हर दिन
7,500 मैट्रिक टन कचरा निकलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 7,500 मैट्रिक टन हर दिन कचरा निकलता है। और ये अवस्था 2016 में 9,500 टन मैट्रिक टन थी। फिर धीरे धीरे आप जैसे लोग आगे आए जिन्होंने सेग्रीगेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, खाद निर्मिति यानी कि अलग अलग करके उसको बाइफर्केशन करके आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। सोसाइटी ने हमें काफ़ी सहयोग दिया, इसके बदौलत हम लोगों ने 2,000 मैट्रिक टन हम लोग कचरा कम कर पाए। फिर भी 7,500 मैट्रिक टन काफ़ी कचरा है। और आपके आप जानते होंगे कि मुंबई शहर में सिर्फ अभी एक डंपिंग ग्राउंड बचा हुआ है जिसे हम लोग कांजूर मार्ग कहते हैं। देवनार डंपिंग ग्राउंड कोर्ट के आदेश से तो पहले ही बंद हो गया। मुलुंड डंपिंग की अवस्था भी वैसी ही है, खाली एक डंपिंग ग्राउंड है। अगर हम इसी तरह से अपना कचरा मिक्स देते रहे तो मुझे लगता है कि 5-6 साल के बाद फिर हमें एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम कचरा कहाँ पर डालें। अब भी वक्त है, आप जैसे लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर सहयोग दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताए कि ये कचरा सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक अहम बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मुंबई शहर में आप लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, रस्ते पर चलते हैं और जो आपको ये रास्ते ये मुंबई शहर पूरा साफ सुथरा नजर आता है, तो ये हमारे कामगार भाइयों के बदौलत है। जरा उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आज हम लोग जो अच्छी सांस ले रहे हैं, सच में ये हम तो ऑफिसर हैं, हम उनसे काम करवा के लेते हैं, मगर उनका सहयोग उनका योगदान काबिले तारीफ है। उसकी हम लोग किसी भी शब्द में तारीफ की जाए तो कम है, तो ये काफी बड़ा सम्मान है उनके लिए। आज वो है इसलिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये बात है, यहाँ पर आने में काफी देर हो गई क्योंकि आप लोग बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे थे। तो दो ही बातें मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आदत और सोच, ये दोनों बातें अगर बदलती है, आदत और सोच अगर ये हमारी बदलती है, तो हम अपना कम से कम कचरा मुंबई महानगर पालिका को हम लोग दे सकते हैं। हमें सोच में लाना होगा, फिर आदत में उसे अमल करना होगा, तो ही हम लोग इस कचरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और कम से कम कचरा देंगे तो डंपिंग की आयु बढ़ जाएगी। और इसी तरह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उसके ऊपर प्रबोधन करते हैं तो कम कचरा जाने में मदद हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी वीआईपी एरिया और सभी लोग हैं और हम लोग हमारी आए दिन कोशिश रहती है कि सोसाइटी में जाकर उनको वहाँ पर प्रबोधन करें, वहाँ पर बताएं। हमारे कामगार लोग को हम उनके जरिए बताते हैं, फिर भी जिस तरह से योगदान होना चाहिए वो नहीं आ रहा है, लोग उस सोच को सोच नहीं रहे। वो तो मैं उनका धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये 2016 में माफ कीजिए 2014 में इसका ये अभियान शुरू किया। इसके जरिए लोग उसके ऊपर कम से कम सोचने तो लगे हैं। सच में उन्होंने एक दान है कि कई लोगों ने ये स्वच्छता के ऊपर बोला है, वहाँ पर कोई कमेटी खोली है, सभी खोला है, मगर बड़े पैमाने पर काम करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां हो। ज़्यादा समय में लेते हुए फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। ये के वेस्ट वार्ड हमारा साफ सुथरा और सुंदर दिखने में आपके बगैर ये होगा नहीं, क्योंकि प्रशासन और नागरिक इन दोनों का मिलजुल होना बहुत जरूरी है। फिर एक बार मैं ग्रेटर गेस्ट शेयर की ओर से सभी सम्मानियों पदाधिकारी और सभी लोगों का और आप सभी लोगों का जो हम लोग के राह देख रहे थे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।
आपके लिए बड़ा दिन था, हमारे लिए भी बड़ा दिन था, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपनाया। ये सही है कि आप शहर को बहुत अच्छी तरह रखते हैं, हम लोग चल सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो हमारे हृदय को धो सकता है, पूरी तरह सफाई देता है, वो यीशु मसीह है। इसका लहू ने आज हमें दिया है, आज हमें नया जीवन दिया है। तो बाइबल दिया है, हम आपको उसको पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आप ज़्यादा यहाँ पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी आना है, संडे हम मिलते हैं और बुधवार को भी हम मिलते हैं, हिंदी में भी सभा होता है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। तो आखिरी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर सा दिन दिया हमें, सभी यहाँ पर जो भी व्यक्ति आए हैं, परमेश्वर इनके परिवार को आशीष दो, दुष्टों से दूर रखना, इनके जीवनों को चलाना। परमेश्वर यीशु मसीह आपको ये करीबी से जान सके, यीशु आप कौन है, इनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा काम करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए वापस एक बार, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।